जिस तरीके से एक छोटे से मासूम बच्चे को जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, संभवतः कल को वो बड़ा होके डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, प्रशासनिक सेवा में जाता, जो भी बनता, पर कम से कम अपने परिवार का सहारा बनता, अपने बूढ़े दादा का सहारा बनता, अपने पिता का सहारा बनता, अपने भाई बहनों का सहारा बनता। आज भविष्य के उस सहारे को छीन लिया गया, कारण सिर्फ मटके से पानी पीना। क्योंकि अभी भी कई ऐसी मनुवादी सोच के लोग यहाँ पर हैं जो इस छुआछूत में विश्वास रखते हैं, जो भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, और शर्म इस बात पर आती है जो लोग उन लोगों का संरक्षण करते हैं। आज एक छोटे से बच्चे को मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक ऐसे मटकी से पानी पिया, और उस टीचर को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने मेरे मटके से इसने कैसे पानी पिया। तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा, उसको कितनी जानकारी होगी भैया कि कौन सी मटकी अपर कास्ट की है, कौन सी मटकी दलितों के लिए रखी है, कौन सी मटकी पिछड़ों के लिए रखी है, कौन सी मटकी अल्पसंख्यकों के लिए रखी है। और फिर हम लोग बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। जिस तरीके से ये जातिवाद का जहर बच्चों की रगों में बोया जा रहा, आज उसका छोटा भाई है, उसी की उम्र का, उससे 2 साल बड़ा है, उसका भाई 5वीं में पढ़ता है, आज उसने अपने बच्चे अपने भाई के साथ इस तरीके की घटना को देखा, कल को वो किस सोच के साथ बड़ा होगा बताइए? उम्र भर उसके मन में ये सोच रहेगी कि नहीं रहेगी कि मेरा भाई जातिवाद की वजह से मारा गया? क्योंकि हम लोग दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए अगड़ी जाति वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हमारे भाई को मार दिया, इसी सोच के साथ वो बड़ा होगा ना? और आने वाले समय में इस मानसिकता को लेकर जब वो बड़ा होगा तो सोचिए समाज में कितना और भेदभाव बढ़ेगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एक शिक्षक, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है भैया कि आप कम से कम बच्चों में एकता की भावना लेकर आए। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दी हुई शिक्षा को आगे लेकर चलें, जहां पे समान अवसर की बात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कही, हर किसी को बराबरी का अवसर मिले उसकी बात उन्होंने कही, एक समान शिक्षा की बात की। और यहां पर वही शिक्षक बच्चों में जातिवाद की भावना डाल रहे, जात पात धर्म मजहब के आधार में भेदभाव किया जा रहा है, और उसके ऊपर हमारे प्रशासन के लोग जो इस कार्रवाई पे लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को, पर अफसोस की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री खुद इस बात को कहते हो कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री बढ़ावा नहीं देते? क्या बढ़ावा नहीं दे रहे मुख्यमंत्री ऐसी बातें करके? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश में पहली बात तो ऐसी घटनाओं के ऊपर विराम लगाए, अंकुश लगना चाहिए ऐसी घटनाओं का। पर जो मुख्यमंत्री खुद ऐसी घटनाओं में भेदभाव करते हो, उदयपुर की घटना होगी तो मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे, क्योंकि वो किसी और जाति की बात है, वहां पर स्वयं जाकर ना सिर्फ 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, बल्कि तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवार के 2-2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और यहां पर क्योंकि एक दलित परिवार है, आपने मुआवजा देना तो दूर, आपने आने तक की जहमत उठाना जरूरी नहीं समझा। और आपके जितने मंत्री यहां पर आ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, भाई सरकार आपकी है, उन मंत्रियों के आश्वासन से क्या होता है भैया? सरकार आपकी है, तत्काल प्रभाव से ना सिर्फ आप मुआवजा दीजिए, बहरहाल आपके मुआवजे से बच्चा तो लौटेगा नहीं, पर कम से कम एक आर्थिक सहायता परिवार को होगी। जो परिवार को सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही, क्यों भैया? आप परिवार, और ये दलित, यही दलित परिवार है, जब चुनाव आएंगे तो इनके आस पास लोग दौड़ेंगे, वोट बैंक बनाया जाएगा, इनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाएंगे और सबकी तरफ से किए जाएंगे, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। पर आज जब इस परिवार से कोई जा रहा है तो सिर्फ यहां पर खाना पूर्ति करने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। उप मुख्यमंत्री यहां पर आए, भैया सरकार आपकी है, आप चाहें तो तत्काल प्रभाव से आप सब कर सकते हैं। और तो और शर्म की बात, भैया बच्चे को कंधा तक नहीं देने दिया गया, क्यों? ताकि आपकी पोल ना खुल जाए।
प्रशासन की लापरवाही में ना दिख जाए, क्योंकि ये घटना 20 तारीख की, 20 जुलाई की, 20 जुलाई से परिवार इस अस्पताल से लेकर उस अस्पताल, उस अस्पताल से लेकर इस अस्पताल तक भटक रहा बच्चे के इलाज के लिए। बच्चे ने 20-22 दिन तक बच्चे ने लड़ाई लड़ी, अंतोगत्वा उसने भी हार मान ली। 13 तारीख को बच्चे का निधन होता है, बॉडी अभी यहाँ पे लाई बाल में गई। प्रशासन को पहले इस बात की जल्दबाजी कि भैया इसको दफना दिया जाए रात में, भाई हम लोगों के संस्कारों में नहीं बताया जाता है कि बच्चे को रात में दफनाया जाए। बच्चे को ट्रैक्टर में लादकर, ट्रैक्टर में लेके गए, परिवार के लोगों को कंधे कंधा तक देने नहीं दिया गया बच्चे को। क्यों, किस बात की इतनी जल्दबाजी? क्या आप रातों रात आप इस तरीके से कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लीपापोती करने का काम कर रहा है, तथ्यों को दबाने का काम कर रहा है, छुपाने का काम कर रहा है। और यही कारण है कि 13 तारीख की घटना है और आज अलग 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 स्वर ये लोग खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के दबाव में कईयों से कहलवाया जा रहा है कि भैया मटकी नहीं थी, पानी नहीं पीने की वजह से हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस बात को कान खोलकर सुन ले, शासन प्रशासन और ऐसी मानसिकता वाले लोग जो सोचते हैं कि भैया दलितों का संरक्षण करने वाला कोई नहीं है, जो सोचते हैं कि भैया दलितों की आवाज को दबा दिया जाएगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हमारे नेता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया दलितों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। उन्हीं का खून हूं मैं, उन्हीं का अंश हूं, मरता मर जाऊंगा, पर इस मनुवादी सोच के सामने समर्पण करने वाले लोग नहीं है हम लोग। जितनी लड़ाई लड़नी पड़े हम लोग लड़ेंगे, पर परिवार को कम से कम न्याय मिले इस बात का वादा कम से कम मैं करके जाता हूं। जितनी लड़ाई और जिस स्तर तक ये लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी, और मैं जानता हूं भैया ये लंबी लड़ाई होगी, कठिन लड़ाई होगी, क्योंकि हैं कई लोग ऐसे प्रशासन में, कई लोग ऐसे बैठे हैं, और जो लोग शासन चला रहे उसमें भी कई ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो सोचते हैं कि अरे भैया दलित हैं क्या उखाड़ लेंगे, दलित हैं क्या कर लेंगे। भाई समझिए, ज्वालामुखी भी तभी फटता है जब ज्वलंत पदार्थों को जमीन से निकलने का मौका नहीं दिया जाता। और अगर आप सोचेंगे कि इस आक्रोश को दबा दिया जाए तो यह आक्रोश दबेगा नहीं, और उस दिन से सावधान रहिएगा जिस दिन यह आक्रोश ज्वालामुखी बनकर फूटा। आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं आक्रोश है उनमें, और उस आक्रोश को जब वो शांतिपूर्वक तरीके से जब वो बयां कर रहे हैं तो लाठी चार्ज किया जा रहा है यहां पर प्रशासन के द्वारा, महिलाओं के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया उस परिवार के ऊपर लाठी चलाई जा रही है, उनके पिता के ऊपर, बुजुर्ग दादा के ऊपर पैर जाकर देखिए उसके दादा का तोड़ दिया गया। यहां पर महिलाएं बैठी हैं, नाक की नस उनकी तोड़ दी गई लाठी चलाकर, वो भी पुलिस, पुरुष पुलिस कर्मियों के द्वारा। क्या दबाने की कोशिश कर रहे हैं भैया आप लोग? आप लोग ये सोच रहे हैं कि भैया मुट्ठी भर लोग हैं, लाठी से हम लोग इनको दबा देंगे? मुट्ठी भर लोग नहीं है, पूरा देश आक्रोशित है इस घटना को लेकर। अगर कोई सोचे कि भैया ये एक जिले की बात है, एक जिले की बात नहीं है, ये प्रतीक है उस मानसिकता का, जो मानसिकता सोचती है कि भैया दलित आज भी अत्याचार के ही शिकार हो सकते हैं। क्यों भैया सिर्फ आज भी दलित को ही सार्वजनिक उससे पानी पीने से रोका जाता है, मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, एक दलित युवक को ही घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है? क्या मानसिकता है भैया ये? 21वीं सदी की हम लोग बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की हम लोग बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, स्पेस में जाने की हम लोग बात करते हैं, और आज जाकर गांव में देखिए इस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। कान खोलकर सुन ले, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले गए वो दिन जब अनुसूचित जाति के लोगों को अत्याचार का शिकारी मानते थे कि भैया उन पे जितना दमन किया जाए वो सब कुछ सहेंगे। आज पूरे देश का दलित, पूरे देश की अनुसूचित जाति एकजुट है और आक्रोशित है, और अगर इसको न्याय नहीं मिला, अगर इंद्र को अगर न्याय नहीं मिला, तो उसके बाद ये समाज आगे आज एकजुट होकर आएगा सामने। देखिए किस तरीके से इनके ऊपर लाठी चलाई गई, नाक की नस इनकी तोड़ दी गई। ये है 21वीं सदी का समाज।
जहां पर हम लोग बात करते हैं सामाजिक एकता की, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, दुनिया भर के नारे देने से नहीं होता है। सुन ले शासन प्रशासन के लोग यहां पे मौजूद, नारे देने से नहीं होता है। और जिस दिन ये समाज एकजुट होकर सड़क पर आ गया और अपने आक्रोश को दिखा दिया, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा इन लोग को अपनी गद्दी। जो लोग गद्दी पर बैठे अहंकार में बैठे बोल रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, ये ज्वालामुखी है, अगर इसको निकलने का मौका नहीं मिला, ज्वलंत पदार्थों को बाहर आने का मौका नहीं मिला, तो जिस दिन ये ज्वालामुखी फटेगा तो उसकी चपेट में बड़ी बड़ी कुर्सियां आएंगी, बड़े बड़े नेता उसकी चपेट में आएंगे, संभलना इन लोगों को मुश्किल हो जाएगा। आप सबके माध्यम से मैंने लिखित तौर पर भी मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह किया, आप सबके माध्यम से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जो बच्चा गया कम से कम उसको आप लौटा नहीं सकते हैं, तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएं। और ये जो लीपापोती करने का प्रयास चल रहा है, अलग अलग तरीके की बयानबाजी के माध्यम से जो मामले को रफा दरफा करने का प्रयास चल रहा है, उस प्रयास को समाप्त करें। हर कोई जानता है कि घटना कैसे घटी, किस तरीके से घटी। जो दोषी है फांसी से कम उसकी सजा नहीं होनी चाहिए। जब तक उसको फांसी नहीं होगी ये संदेश समाज में नहीं जाएगा। और जो लोग आज भी सोचते हैं कि भैया घोड़ी चढ़ने के नाम पर, पानी पीने के नाम पर, मूछे रखने के नाम पर, तो सार्वजनिक स्थलों पे जाने के नाम पर, तो मंदिर में जाने के नाम पर हम लोग दलितों के साथ मारपीट कर सकते हैं, संदेश कड़ा जाने की जरूरत है यहां से। और अगर ये संदेश यहां से नहीं गया तो दलित समाज आने वाले समय में आक्रोशित होकर सड़क पर उतरेगा। उसके बाद भैया आपकी लाठी भी हम लोग को नहीं रोक सकती, और लाठियां खाई है भैया हम लोगों ने दशकों से। आपकी लाठी खाने से हम लोग डरते नहीं है, पर हां न्याय के लिए अब हम लोग भी गिड़गिड़ाएंगे नहीं। यह हमारा हक है, हमारा अधिकार है। आप अगर हमको नहीं देंगे तो छीनना भी हम लोग को आता है। और सत्ताधारी लोग इस बात को समझ जाए। आने वाले समय में पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और आग्रह करूंगा, अभी विनम्र आग्रह कर रहा हूं, हक हम लोग को लेना आता है। उदयपुर की घटना में अगर आप स्वयं जाकर 50 लाख रुपए और दो दो लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यहां पर भी वही सुविधा मिलनी चाहिए। क्यों भैया दो घटनाओं में भेदभाव, क्यों? जाति की वजह से ही भेदभाव है ना, कारण बता दीजिए। दो घटनाएं और दो अलग अलग तरीके के मुआवजे क्यों? जाति को अगर आप आधार बनाएंगे भेदभाव का, तो यह हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा। जो मुआवजा वहां पर मिला है वही मुआवजा यहां पर दें। आने वाले समय में बुजुर्ग परिवार का सहारा ये बच्चा बनता। आप परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी यहां पर देने का काम करें, वो भी तत्काल प्रभाव से। मैं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस मामले की स्वतः संज्ञान ले। लिखित तौर पर मैं आपको दे रहा हूं इस विषय को, इस मामले का संज्ञान ले और सुनिश्चित करें कि एक अलग से SIT गठित हो इस मामले को लेकर, और पीड़ित परिवार को टाइम बाउंड, समय बीतता जाएगा, बाद में आप लोग तथ्यों के अभाव का आप लोग बहाना बनाएंगे, समय बीतता जाएगा तो आप लोग बोलेंगे भैया कि यहां पर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, इसीलिए टाइम बाउंड इसकी जांच हो और जो दोषी है कड़ी से कड़ी सजा और फांसी से कम की सजा कबूल नहीं है। एक मासूम बच्चा भैया, बच्चा जो जानता नहीं है सही गलत में, उसके साथ आपने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, ऐसी निर्मम हत्या के लिए फांसी से कम इस अपराध के लिए कोई सजा हो नहीं सकती। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसका संज्ञान ले, SIT गठित करें और कम से कम इसका स्पीडी ट्रायल कराकर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से मुआवजा मिलना चाहिए। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग मांग करते हैं, और अगर इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बड़े आंदोलन के लिए राज्य सरकार तैयार रहे। और आने वाले समय में भाई चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी ताकत क्या है, आने वाले समय में इसका भी अंदाज़ा इनको लग जाएगा। पूरे मामले को लेकर आपकी पार्टी भी कुछ आर्थिक सहायता करेगी क्या? भाई हमारी अपनी सीमाएं हैं, पर अपनी सीमाओं में रहकर जितना संभव होगा वो हम लोग जरूर परिवार के लिए हम लोग करेंगे। यहाँ से जाने के बाद परिवार, एक पार्टी का एक डेलीगेशन आकर परिवार से मुलाकात करेगा, और जो भी संभव मदद हम लोग की तरफ से हो पाएगी वो हम लोग करेंगे। पर भाई हम लोग की अपनी सीमाएं हैं, सरकार में नहीं है, पर जो लोग सरकार में हैं वो असीमित मदद कर सकते हैं, उनकी सीमाएं नहीं हैं, वो परिवार को बदहाल परिस्थिति से निकाल सकते हैं अपने एक कलम के हस्ताक्षर से। पर ये नीयत उनकी दिखती है,
अभी तक नहीं किया गया, यह उनकी नियत को दर्शाता है कि भेदभाव की भावना सिर्फ उस टीचर की मानसिकता में नहीं थी बल्कि शासन प्रशासन में बैठे लोगों की भी मानसिकता उसी से ही ग्रस्त है। आपने परिवार से जानकारी ली है, अभी इनकी क्या मांग है? भाई परिवार की सबसे प्रथम मांग तो न्याय की ही है, ये न्याय मिलना चाहिए और वो हम सब की मांग है। और कम से कम ये आने वाले दिनों में जो इन्होंने एक अन्याय की नई परंपरा को शुरुआत दी है, महिलाओं के ऊपर पुरुष पुलिस कर्मचारी लाठी मार रहे, परिवार के सदस्यों को, इनके चाचा को सर फूटा है भैया, 8-10 टांके लगे हैं सर पर, दादा बुजुर्ग व्यक्ति, भैया आप देखेंगे कैसे हिम्मत हुई कि आप उनके ऊपर आप लाठी उठा दें, उनके ऊपर लाठी चलाई गई। तो जितने पुलिसकर्मी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो इस घटना में सम्मिलित हैं, और वो लोग जो दबाव बना रहे हैं इस केस को कोई दूसरा रुख देने का, उन तमाम लोगों को भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और एक अलग से जांच कराई जाए। भैया दोषियों के ऊपर ही अगर आप जिम्मेदारी देंगे जांच की तो कोई कैसे जांच करेगा? इन्हीं लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है ना, जिनके ऊपर उंगलियां आज उठ रही हैं, यही यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग हैं। जब यहाँ की जनता को उन पर विश्वास नहीं है तो क्यों शासन के लोग उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हैं? क्यों नहीं अलग से एक SID गठित की जाती है और इन लोगों को भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए कि भाई परिवार ने एक वैसे ही मासूम को खोया, वो पीड़ा अलग, और आज आप लाठी चलाकर उनको और प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग इसमें दोषी हैं तत्काल प्रभाव से उनको भी बर्खास्त किया जाए, ये भी हम लोग मांग करते हैं। धन्यवाद।